मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसमें हमने हमारा चैप्टर चैप्टर में चार होंगे, जहाँ से हम जहाँ तक हमने देखा था उसके आगे से हम आज देखेंगे। पेज नंबर 18 वहाँ पे थर्ड पैराग्राफ से आज हम स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग अपनी हिंदी की टेस्ट बुक निकालें, फिर बना करे। बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लाभ उठाने से कहा, उस सोफे पर दराज होकर अखबार दिखने लगा। तो मैंने मना कर दिया ना, मैंने आपको एक बार बोल दिया, अब आपको वहाँ पे जा फिल्म में देखने जाने की जरूरत नहीं है। वो लाभ उठाई से बैठ जाता है और अखबार लेकर पढ़ने का दिखा जाता है। उसी वक्त पापा भी अपने कमरे से निकली, एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। उसी वक्त उनकी बहन आपा, वो लोग उसको आपा बोलते, तो वो अपने कमरे से बाहर निकलती है। तो उसने एक भारी साड़ी पहनी हुई थी और लटकती बटकती वहाँ से निकली थी और बड़े ठाठ से मतलब कि तैयार होकर वो बोले जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया, इतनी भारी सी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो जाएगी। सलीम बड़े गौर से अपने आपा को देखता है और बोलता है कि आपने इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है, शाम तक ये तो खराब हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर चाहिए, आज वो सफ़ेद बॉयल की साड़ी पहनना। वो अपनी आपा को बोलता है कि ये साड़ी आप बदल दीजिए और दूसरी वाली जो सफ़ेद कलर की बॉयल साड़ी है वो पहन के जाइए। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गई। आपा चिड़कर बोलती है, अच्छा अच्छा आपने बहुत हुक्म दे दिया है, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की। आपा उनको बता रही है कि आज हमारे कॉलेज में फंक्शन है, इसलिए मैंने आज ये साड़ी पहनी है। हुआ करे, मैं क्या कर रहा हूँ, सुना नहीं, अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। उनकी आपा शर्मिंदा हो जाती है कि उनकी इतनी अच्छी नकल सलीम और आरिफ आज कर रहे हैं। आपा भी यही करते थे कि सलीम और आरिफ जब भी अपनी अच्छी वाली नई कमीज पहने तो आपा उनको उतरवा कर जो बेकार पड़ी हुई कमीज होती थी उनको पहना देती थी। दूसरी सुबह हुई और फिर उनका जो एक दिन का था ऑर्डर देने का बड़े बनने का वो आज खत्म हो जाता है और दूसरी सुबह हो जाती है। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रहे थे। हर रोज क्या होता था, आपा उनको सोने नहीं देते थे, जल्दी जल्दी उठा देते थे, लेकिन आज कुछ अलग ही हुआ। वो सलीम और आरिफ के उठने का इंतजार कर रहे थे। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो, और अम्मी जो खान सामा थी उनको हुक्म दे रही थी, यानी कि बता रही थी कि अब से घर में खाने के साथ हर रोज कोई ना कोई मीठी चीज जरूर बनेगी। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे। अंदर आरिफ गा रहा था तो भाईजान मेज पर बैठे हुए मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चप्पल जेब में डाल लिया करो, क्या फर्ज है। और अब्बा सलीम को बोल रहे थे कि अगर तुम स्कूल जाओ तो उस वक्त अपनी जेब में एक चप्पल डाल लिया करो, कि उसमें फर्ज क्या है, यानी कि घर में सब कुछ चेंज हो गया था, ये चप्पल हमारा यहाँ पे खत्म होता है।